हेलो एवरीवन, देखिए अब एक क्वेश्चन नंबर 3.12 देखो, इसमें क्या कहता है। कहता है इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। देखो ये क्या कह रहा है, देखो आपको पता ही है पोटेंशियोमीटर, आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता है तो आप जाके थ्योरी में चेक करो। देखो मैं यहाँ अगर इसका रफ सा एक डायग्राम बनाऊँ कि यहाँ पर ये मेन जो सेल है, प्राइमरी सेल है इसका, ठीक है, और यहाँ पर ये वायर हो गई इसकी, ठीक, और यहाँ से हमने ये सेल हो गया एक, और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर, और ये रही जॉकी। तो ये तो हो गया प्राइमरी सेल, है ना, ई नोट मान लो इसको, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सेल। और ये वाला है मान लो ई वन, जिसकी वैल्यू है 1.25 वोल्ट, ठीक है। इसका ई एम एफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज मेन करंट तो यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही नल पॉइंट आएगा इसका, यहाँ तो जीरो हो जाएगा इस ब्रांच में करंट, इस वजह से ये तो यूज़ में नहीं है, तो ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला आपको, कहता है जो बैलेंस पॉइंट है वो कहाँ आता है, 35 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब मान लो ये 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर पे आता है, ठीक है, दैट इज L1 मान लो इसको, ठीक है। नाउ कह रहा है इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर सेल, मान लो अब इस सेल को रिप्लेस किया, तो मैं अलग से डायग्राम बना दूँ, ये हमारा प्राइमरी सेल हो गया, ये हमारी वायर हो गई, और यहाँ पर हमने सेल अब रिप्लेस कर दिया, और अब जो है जो हमारे पास बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पर, 63 सेंटीमीटर, यानी कि अब जो L2 है वो इतना आ गया हमारे पास, दैट इज़ 63.0, यानी कि 63 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा E2 है मान लो, और ये तो हमारा प्राइमरी ही है, ठीक है, तो यहीं से ही आ रहा है करंट, इसलिए यहाँ पर EMF बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इसलिए फाइंड आउट करने के लिए भी क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द EMF ऑफ द सेकेंड सेल, तो जो हमने रिप्लेस किया अब, इस सेल का ईएमएफ आपको निकालना है, जहाँ नल पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, 63 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, क्लियर है। ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है ना, इनको ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो यूज़ में ही नहीं है, जैसे ही नल पॉइंट आएगा यहाँ पर तो करंट पूरे इसमें क्या है, जीरो है। तो मेन जो है हमारा जो सेल है वही करंट दे रहा है, यहाँ पर भी मेन सेल ही करंट दे रहा है, और वैसे भी आपको पता है पोटेंशियोमीटर में एप्लीकेशन है कंपेरिजन द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ईएमएफ निकाल देते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, वहाँ से आया था E1 बाय E2 इज इक्वल टू में L1 बाय L2 आया था, याद आया, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है, E1 है हमारा 1.25, E2 हमें फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज L1 इज 35 सेंटीमीटर एंड L2 इज 63 सेंटीमीटर। कहीं को लगता होगा इसको मीटर में करें, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है डिवाइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यूनिट चेंज भी करोगे, मीटर में भी करोगे अगर, तो वो डिवाइड बाय क्या करोगे, 100 लगाओगे, इसका भी डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कट ही जाना है, ठीक है, तो वो वाली बात है, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो जरा अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर देखो E2 इधर चला जाएगा, 35 E2 आ गया ये हमारा, ठीक है, और ये आ गया 1.25 का 100 लगा दिया हमने यहाँ पर, ये 63 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर देखो 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10 एंड 0, 5 5 5 4, ये आया, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये 5 × 63/4, और इधर ये 35 आ जाएगा, इधर बच गया सिर्फ E2, देखो 5 7 35 एंड 63/ कितना आ गया, ये 7 4 28, इसको डिवाइड कर लो, देखो अब 63 ये है, 28 ये है, 28 2 56, कितना बचा यहाँ पर, 7, फिर 0 तो पॉइंट लगेगा, फिर 2 पे जाएगा ये 56, फिर कितना बचेगा यहाँ पर, ये 4, और ये 6 में 5 गया 1, और ये 0। अब ये 5 से करोगे ना आप, जब 28 को 5 से अगर करोगे, 5 8 40, 5 2 10, तो ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पर, तो ये कितना आ रहा है आपके पास आंसर, E2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर बताओ, 63 को डिवाइड किया 28 से, तो 2.25 वोल्ट आ गई, क्लियर, 2.25 वोल्ट E2 आ गया आपके पास, बताओ आया समझ में, बिल्कुल सिंपल था, कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ द सेल्स को हमने यूज़ किया यहाँ पर, जो कि एप्लीकेशन थी पोटेंशियोमीटर की, बस उसी से हो गया हमारा ये क्वेश्चन, क्लियर है, बिल्कुल ईजी था, कर लोगे इसको, ठीक है। अब देखो कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस से कट हो गया, वो बस सही है, बोर्ड के सिलेबस से कट है, लेकिन नीट JEE में तो आने वाले हैं ना ये क्वेश्चन, अभी तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है हमारे पास कि ये कट हुआ है आपका सिलेबस में से, नीट और JEE वालों को तो करना ही पड़ेगा सब कुछ, क्लियर है, तो इसलिए करते रहो अच्छे से, क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।